राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से रायचौरा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका दमो। जिले के पथरिया से भाजपा के लखन पटेल ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पटेल ने 18,000 मतों के अंतर से कांग्रेस के राव ब्रजन सिंह को पराजित किया। ये वही सीट है जहां से बसपा की चर्चित विधायक रामबाई सिंह एमएलए थीं। रामबाई तीसरे नंबर पर रहीं। आपको बता दें कि विजय हुए प्रत्याशी लखन पटेल बीते 2 दिनों से बीमार होने की वजह से भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। अपनी जीत के बाद पटेल ने अस्पताल से एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत का हवाला देकर जनता के प्रति जीत के लिए आभार माना है। आज के दिन में अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। दमोह की जनता, पथरिया की जनता, जवेरा की जनता और हटा की जनता, सारे जिले के मतदाताओं का मैं आभार करता हूँ। खासतौर से पथरिया विधानसभा के मतदाता जिन्होंने मुझे असीम प्यार, असीम आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं उनका आभार कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। और स्वास्थ्य कारणों से इस खुशी के पल में, आपकी जीत के पल में मैं आपके साथ नहीं हूँ। जैसा कि आप बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, मैं पिछले 4 दिन से बंसल हॉस्पिटल में भर्ती हूँ स्वास्थ्य कारणों से। मैं बहुत जल्दी शीघ्र आपके बीच में स्वस्थ होकर आऊँगा, आपके साथ शामिल होकर और आपसे घर घर आके फिर से मिलूँगा। मेरा एक निवेदन और है सभी भाइयों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हों। चुनाव था हो गया, अपनी शांति बनाए रखें और अमन चैन जैसा दमोह जिले में रहा है वैसा बना रहे, ऐसी मेरी सभी से प्रार्थना भी है और निवेदन भी है। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।